हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएसएससी एग्जाम के हिंदी पार्ट्स को कवर करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपका 25 दिसंबर 2020 को कवर हो चुका था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हिमालय दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका क्या अर्थ होता है, हिम प्लस आलय। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हिम प्लस आलय। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। इति शब्द यानी कि इति प्लस आदि बराबर है। तो ये दोनों वर्ड जो मिलेंगे, इस मतलब कि इसका किसके बराबर होगा, तो इति प्लस आदि इत्यादि, इसका मतलब कि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि कली का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए, कली का बहुवचन क्या होगा, तो कलिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है, इसका कलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो कली का बहुवचन क्या हो जाएगा, कलिया। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, सामने से डॉट 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 आ रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन में पिताजी, माताजी, बहन जी, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सामने से पिताजी वाला मतलब कि ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। तो सामने से पिताजी आ रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि बच्चा रो रहा है का बहुवचन क्या होगा। तो इसका बहुवचन क्या होगा, तो बच्चे रो रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुमेलित करने के लिए, कि इनमें से जो आपके यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिए गए थे, जिनको आपको क्या करना है, सटीक यहाँ पे सुमेल करना है। देखिए, अनेक का अनेको, यहाँ पे बहुवचन दिया गया, बच्चा का यहाँ पे बच्चे बहुवचन दिया गया, घोड़ा का घोड़े बहुवचन दिया गया। तो देखिए, ये जो नीचे जो आपको दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अनेक एक खुद में अपने आप में क्या है, एक बहुवचन है। तो अनेक का यहाँ पे बहुवचन अनेको नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो सुमेल किया गया है, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन ये है कि बानर का तद्भव रूप क्या होगा। तो देखिए, बानर का तद्भव रूप क्या होगा, तो बंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आंसू एक अपने आप में खुद एक बहुवचन है, तो आंसू का बहुवचन सिर्फ यहां पे आंसू ही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं अगले नंबर क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कि मृत्यु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मृत्यु का पर्यायवाची शब्द यहां पे आपके ऑप्शन में तीन ही मतलब कि चार ऑप्शन जो दिए गए हों, इनमें से आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे कौन सा ऑप्शन आपके मतलब कि क्वेश्चन में आया हुआ था। तो देख सकते हैं मृत्यु का पर्यायवाची कौन सा हो सकता है, तो देहांत, मौत, अंत, स्वर्गवास, निधन, देहावसान, देख सकते हैं इति, अंतिकाल, यहाँ पे काशीवास, गंगा लाभ, निर्वाण, मरण, इसका राइट आंसर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, हिमालय में से भिन्न शब्द चुनना है। तो देखिए, गंगा, गोदावरी और कृष्णा ये सब क्या है, नदियों का नाम है, लेकिन यहाँ पे हिमालय क्या है, एक हिमालय हिम पर्वत है। तो यहाँ पे हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इन तीनों से क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ेंगे अब हम अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। घी का दिया जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, घी का दिया जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुशियाँ मनाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए, कोई आपसे ये बोलता है कि आप तो ईद का चांद हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो बहुत दिन बाद उन मतलब क्या कर रहे हैं कि उस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं। तो बहुत दिन बाद मतलब कि मिलने को हम बोलते हैं कि ईद का चांद हो जाना। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद रजनीश का करना है, तो रजनी प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं कि राजेंद्र शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद से कम 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। देख सकते हैं राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो राजा प्लस इंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये कैसा क्वेश्चन आया हुआ था कि बाढ़ आने से सब कुछ क्या हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जब बाढ़ आता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, तो बह जाता है। इसका यहाँ पे बह वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि चीनी किस भाषा का शब्द है। तो चीनी तिब्बती परिवार का ये इस भाषा का ये शब्द है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन कि वह लड़का नहीं आने वाला है, किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बता दूं, ये जो सेंटेंस है, वह लड़का नहीं आने वाला है, ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, ये निगेटिव मतलब सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में कि टेलीफोन किस भाषा का शब्द है। देखिए, टेलीफोन किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल का दुश्मन जब हो जाना, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मूर्ख या समझदार काम ना करने वाला। देखिए मूर्ख या समझदार काम ना करने वाला, या अगर आप कोई काम बेवकूफ़ी से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि अक्ल का दुश्मन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है एग्जाम में कि अंधेरा का तत्सम रूप क्या होगा। तो अंधेरा का तत्सम रूप होता है अंधकार। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सूर्योदय प्लस इसका मतलब संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्य प्लस उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, मित्र का भाववाचक शब्द क्या होगा। तो मित्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, पंकज जलज सरोज नीरज कज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए जो सब कुछ जानता है उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। ओके फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ या ज्ञाता भी बोला जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे हम ज्ञाता या सर्वज्ञ बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ेंगे अब अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन, समझिए कि अनुचित शब्द का विलोम क्या होता है। तो अनुचित का उल्टा क्या होगा, तो उचित इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, इनमें से कौन सा बहुवचन होता है। तो देखिए आपसे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो बाल है ना फ्रेंड्स, तो बाल यानी कि बाल मतलब केस, केस क्या होता है सेल्फ में, अपने आप में क्या होता है, एक बहुवचन शब्द होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहे हैं कि मानव से क्या भाववाचक बनेगा। तो मानव से मानवता, मानव से क्या बनता है, तो मानवता इसका मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाववाचक शब्द बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहे हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो एक होता है मतलब एक वचन, और जो दूसरा होता है क्या होता है, बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक वचन और बहुवचन वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि शक्ति आना अधिकारी को भी अधिकारी बना देता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि शक्ति आना, जिसे मान लीजिए कि शक्तिशाली की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है इसका मतलब। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, कि काला अक्षर भैंस के समान मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो यानी अनपढ़ उसे बोल सकते हैं, या बिल्कुल मतलब कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम बोलते हैं कि काला अक्षर भैंस के समान, ये मुहावरा बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि हिमालय डॉट 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 दिशा की ओर है, मतलब हिमालय किस दिशा की ओर है। तो आपसे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हिमालय उत्तर दिशा की ओर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, कि भारतीय का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए भारतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो भारतीयों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अग्नि का विलोम शब्द अंबर नहीं होगा, अग्नि का यहाँ पे विलोम शब्द पानी या जल बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन समझिए, कि रजनीश का सही उच्चारण क्या होगा। देखिए रजनीश यहाँ पे जो लिखा गया फ्रेंड्स ना, यहाँ पे रजनीश वर्ड यहाँ पे लिखा गया, शब्द यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो रजनीश का यहाँ पे सही शब्द ये वाला हो सकता है, रजनीश। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभी प्लस उदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कि भैंस के आगे बीन बचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो निरर्थक प्रयास करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या बोल रहे हैं, कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब ये होगा अपना काम निकालना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, कि एक एक ग्यारह होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देखिए मेल से शक्ति बढ़ जाना, अगर एक और एक ग्यारह होता है, यानी एक था और एक और आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या मतलब 11 गुना बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप संगठन में रहेंगे तो आपकी मतलब कि शक्ति क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग कर जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख सकते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो दिखावा बहुत अधिक होना, लेकिन वास्तव में मतलब कि वैसा नहीं होना। ओके फ्रेंड्स, वस्तु कुछ नहीं होना। ओके फ्रेंड्स, चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो संसार का क्या होता है, जगत होता है, और क्या होता है, विश्व होता है, लोक दुनिया होता है, जग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपके यहाँ पे BSSC यानी कि बिहार SSC में पूछे गए सारे हिंदी के प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मतलब कि साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।